हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। चैलेंजिंग सीरीज के डे 134 और 135 का सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज एक्चुअली हम लोग दो सवालों का सॉल्यूशन एक साथ डिस्कस करेंगे। कुछ रीजन की वजह से मैंने डे 134 का सॉल्यूशन मेंशन कर दिया था कि मैं उसका नहीं डाल पाऊंगा, तो दोनों को एक साथ ही चले देखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए। पहला सवाल हम लोगों का क्या है, पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल मैं बोल रहा है, एज ऑफ थ्री इम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी पी क्यू आर लाइज बिटवीन 24 to 30 ईयर। तीन इम्प्लॉय है एक कंपनी में, कौन कौन है, पी है, क्यू है और आर है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 24 से 30 तक के बीच में लाई कर रहे हैं। इनकी उम्र जो है 24 से 30 साल के बीच की है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फोर टाइम्स द एज ऑफ पी इज 13 मोर देन 3 times द एज ऑफ क्यू, ठीक है। 13 अधिक है किससे, क्यू के 3 गुने से, तो क्यू का 3 गुना से 13 अधिक ले लिए। एक क्वेश्चन हमारा ये बन के आ गया। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 2 times the age of Q इज 6 मोर देन 2 times द एज ऑफ आर। 6 अधिक है किससे, 6 अधिक है आर के उम्र से, आर के उम्र के 2 गुने से 6 अधिक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आर, आर का प्रेजेंट एज क्या है, हमें ये निकालना है। आर का जब प्रेजेंट एज निकालना है तो आगे क्या दे रखा है, क्यू इज ओल्डेस्ट अमंग देम, क्यू जो है उसमें सबसे ओल्डेस्ट है एंड पी इज यंगेस्ट। पी क्या है हमारा, यंगेस्ट है, सबसे छोटा, तो बीच में कौन आ गया हमारा, आर आ गया। ये एक रिलेशन यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग का क्या है कि बोल रहा है कि एजेस ऑफ ऑल आर इन इंटीजर्स, सभी का उम्र जो है वो क्या है, इंटीजर्स है, मतलब किसी का भी साल महीना ऐसा नहीं है, सब एक परफेक्ट ईयर में 15 साल 20 साल इस तरीके से दिए हुए, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या है, कोई डेटा तुम्हें दिए हुए है नहीं, तुम्हें यहाँ पे डेटा एज्यूम करना होगा। एज्यूम क्या करना होगा, जो बड़ा है उसका डेटा तुम मानते चले जाओ, ठीक है। क्यू का जो है तुम यहाँ से थोड़ा सा कुछ डेटा मान लो, क्यू का जो उम्र होगा वो कहाँ कहाँ से होगा, 30, 29, 28, 27, 26, 25 और 24, ठीक है। ये क्यू का तुम्हारा पॉसिबल उम्र निकल सकता है। अब बोलोगे इतना सारा रखना होगा, नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तुम्हें करना है और ऑब्जर्व करके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किसे रखना है और किसे नहीं रखना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तुम 30 रख के देखो, ठीक है। 30 जब रखोगे क्यू का तो 3 गुने में 30 करोगे 90 और प्लस में 13 करोगे, यानी कि कितना दे देगा 103, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 30 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दो कि कोई भी इवन नंबर को जब तुम 3Q से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हें क्या निकाल के देगा, इवन नंबर ही देगा निकाल के, ठीक है। कोई भी नंबर को जब तुम 3Q से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हें क्या निकाल के देगा, इवन ही देगा। और उसमें जब तुम ऑड ऐड कर दोगे तो ऑड ऐड करने के बाद वो संख्या कैसे में बदल जाएगी, ऑड नंबर में बदल जाएगी। तो इससे हमको क्या पता चला कि हमारा क्यू का मान कभी भी जो है वो इवन नहीं हो सकता है। तो क्यू का मान जब इवन नहीं होगा तो कौन कौन सा हमारा कट गया, 28 कट गया, 26 कट गया, 24 कट गया, इतने सारे नंबर हमारे कट गए। अब चाहे तुम नीचे से चले जाओ चाहे तुम ऊपर से आ जाओ, इतना तुम्हें चेक करके क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले आप क्या करो, 29 रख के देखो, 29 गुने में 3 रखोगे तो 87 और 13 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 100 हो जाएगा। 4 से 100 कट जाएगा, 4 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में, अभी तक सही है। यानी कि Q का मान जब तुमने 29 माना तो P कितना निकल के आया, 25 निकल के आया, ठीक है। अब फिर आगे चेक करो, Q का मान यहाँ पे 29 रखो, फिर से 2 × 29 + 6 है, इधर आ जाएगा -6 बराबर में कितना, 2 बार, 58 में 6 चला जाएगा यानी कितना, 52, 2 से कट जाएगा यानी कि 52 कट जाएगा यानी 26, R की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 26, R निकल के आ गया हमारा कितना, 26, जो कि अभी तक में सही है, हमारे रेंज में भी आ रहा है, 24 से 30 साल वाले रेंज में भी आ रहा है और ये यहाँ पे सही है, तो हमको इसको भी नहीं काटना है। अब 27 रखे देखो, 3 गुने में 27 रखोगे तो 81 और 13 ऐड करोगे, सॉरी 81 और 13 ऐड करोगे तो ये तुम्हें कितना देगा, 94, ठीक है। 94 जब तुम्हारा आ गया, जो कि 4 से क्या है, डिविजिबल नहीं है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है तो 27 भी नहीं हो सकता है तुम्हारा। 25 भी चेक कर लो, 25 × 3 जब करोगे तो 75 प्लस में 13 करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 75 और 13 जब करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 80, ठीक है, सॉरी 25 × 75 और 88, 4 से काटोगे तो ये तुम्हारा 4 से काटने के बाद ये तुम्हें क्या दे देगा, 22 दे देगा, ठीक है।
जब ये तुम्हें 22 दे दिया, तुम देखो तुम्हारा रेंज है 24 से 30 साल, 22 तुम्हारा भाग गया तो ये 25 भी नहीं हो सकता है, एक ही पॉसिबल है कौन सा 29। क्यों जब 29 लेंगे तो पी 25 निकलेगा, आर 26 निकलेगा, और इसी के साथ हमसे आर का पूछा था, आर का आंसर कितना आ गया 26 ईयर एंड हमारा आंसर क्या है 26 साल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं डे 134 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोग का क्या है डे 135 का। ठीक है चलो, तो देखो डे 135 में क्या बोल रहा है। रमेश प्रिपेयर टू सैंपल ऑफ वाइन ए एंड बी। रमेश जो है दो सैंपल प्रिपेयर किया वाइन का, ए और बी। ठीक है, ए और बी बोला क्या है 5 लीटर ईच, मतलब दोनों में जो क्वांटिटी है वो कितनी है 5 लीटर है। यहाँ पे भी क्वांटिटी कितनी है 5 लीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा सवाल में, ईच सैंपल कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, हर एक में सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब वाइन भी है वाटर भी है कुछ, फिर इसमें भी वाइन है और इसमें भी क्या है वाटर है कुछ। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सवाल में, इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यदि 1 लीटर हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं एंड 1 लीटर वाटर इज एडेड इन सैंपल ए एंड 1 लीटर ऑफ वाइन इज एडेड इन सैंपल बी। 1 लीटर वाइन हम लोग कहाँ ऐड कर देते हैं, सैंपल बी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऐड किए तो ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, देन द परसेंटेज ऑफ वाइन इन ईच ऑफ द सैंपल बिकम 60%। जब जब ये 1 लीटर ऐड करेंगे तो 1 लीटर ऐड करने का वाइन का जो परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 60% हो जाएगा। तो यानी कि वाटर की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो वाटर कितनी हो जाएगी हमारी 40% हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि सब टाइप के सवाल में क्या करना होता है तुम्हें, कि सबसे पहले ये देख लो कि फाइंड आउट क्या करना होता है। और लिटरली बैंकिंग में जो सवाल बनते हैं बनाना होता है हम लोगों को एग्जाम में, वो पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद ही हम लोग को बनाना होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को करेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो सवाल में पूछा क्या है कि इफ सैंपल ए एंड बी आर मिक्स्ड, इफ लगा दिया, इफ कहने का मतलब क्या है कि जब ये 1 लीटर ऐड नहीं किया हुआ होता, मतलब 5 लीटर और 5 लीटर में ही, तो ए और बी को मिक्स करते तो हमें क्या निकालना था, वाटर का परसेंटेज निकालना था। ठीक है, तो वाटर का परसेंटेज, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या बोला, वाटर का परसेंटेज निकालने के लिए प्रीवियस में क्या दिया था 60% क्या हो जाता है तुम्हारा वाइन हो जाता है। तो वाइन जब 60% हो जाता है तुम्हारा, तो वाटर कितना हो जाएगा तुम्हारा 40% हो जाएगा। तो अब आओ सैंपल ए में परसेंटेज वाटर निकालने के लिए। ठीक है, तो परसेंटेज वाटर जो निकालोगे 40% किसका, जब वह 1 लीटर ऐड करता है तब का। ठीक है, तो 1 लीटर वो कितना ऐड करता है, 1 लीटर ऐड करने वाला क्वांटिटी कितनी हो जाती है 60 का 40% निकाल दोगे तो ये तुम्हारा 20 से 2 बार में 20 से 5 बार में यानी कितना दे देगा 12/5 लीटर। और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सॉरी यही तुम्हारा हो जाएगा वाटर का क्वांटिटी 12/5 कितना 5 लीटर। ठीक है, ये कब हुआ, जब 1 लीटर ऐड किया वाटर तुमने तब। तो इनिशियली हमारा जो वाटर होगा वो वाटर कितना निकल के आएगा, ऐड करने के बाद 12/5, तो बिना ऐड किए 1 घटा दो, 1 जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा 7/5 लीटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इनिशियली वाटर। अब तुम बी के लिए देखो, बी में तुम्हारा क्या है, तुमने वाइन को ऐड करा है, तो वाटर की क्वांटिटी वाइन ऐड करने के बाद भी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधे हम वाटर निकाल लेते हैं, तो वाटर जब निकालेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा 6 का 40%, जो कि हमें क्या दे देगा 6 का 2/5 5/5 यानी कि कितना हो गया 12/5 कितना 5 लीटर। ये हमारा यहाँ से वाटर निकल गया। अब इसको इनिशियली भी बोलो या अभी बोलो, दोनों बात बराबर है क्योंकि वाटर की क्वांटिटी नहीं बढ़ी, वाटर उतना का उतना ही है, तुमने इसमें क्या ऐड किया था वाइन ऐड किया था। अब यहाँ से तुमसे क्या पूछा था सवाल में कि परसेंटेज ऑफ तुम्हें क्या बताना है, वाटर बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर बताने के लिए तुम्हें क्या बताना है, इफ लगाया था वहां पे यानी इनिशियल कंडीशन में बिना एक एक ऐड किए आउट ऑफ कितना बताना है 5/5 10 लीटर के। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर देखो टोटल कितना था जब ए और बी को मिक्स करेंगे तब, ए में था हमारा 7/5 लीटर और बी में था 12/5 लीटर, जो कि तुम्हें क्या दे देगा 19/5 लीटर। ठीक है, कितना दे दिया तुम्हें 19/5 लीटर दे दिया। जब तुम्हें मालूम हो गया वाटर 19/5 लीटर है तुम्हारा, तो अब तुमसे क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर बताने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे बताओगे, जितना वाटर है वो नीचे में ओरिजिनल हमारा कितना है 5 लीटर एंड 5 लीटर यानी कि कितना 10 लीटर और गुने में क्या कर दो 100%। ठीक है, 50 से 2/12 यानी 19 टू जा कितना हो जाएगा 38%,
और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो कितना है 38% है डे नंबर 135 का। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें डे नंबर 135 का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को क्या करना है तुम्हें कि पहले देख लो, अच्छे से समझ लो, वीडियो पसंद आए तो इसको जाके वहाँ पे यूट्यूब पे जाके लाइक भी कर देना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो को थोड़ा दबा के शेयर किया करो, तुम्हारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन ग्रुप में दो, क्वेश्चन के साथ दो, और जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं उन सब जगह दो। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम थोड़ा सा एफर्ट करो वीडियो को दबा के शेयर करने में। बाकी तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।